फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार शर्मा, आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज के गुडविल लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आज इस चैप्टर में जो काबली वाला नामक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसमें जो है हम अब तक जो है 2 पैसेज पढ़ चुके थे, आज हम तीसरा पैसेज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इसमें है, वन मॉर्निंग हावेवर नॉट मैनी डेज लेटर, कुछ दिनों बाद एक सुबह, एज आई वॉज लीविंग द हाउस, जैसे ही मैं घर से निकल रहा था, आई वॉज स्टार्टल्ड टू फाइंड मिनी सीटेड ऑन ए बेंच नियर द डोर। ठीक है, तो आई वॉज स्टार्टल्ड हो गया, स्तब्ध रह गया, मैं जो है भौचक्कर रह गया, टू फाइंड मिनी को पाकर सीटेड बैठी हुई ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठी हुई नियर द डोर, दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठी हुई मिनी को देखकर मैं जो है स्तब्ध या भौचक्कर रह गया। ठीक है, लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबले वाला एट हर फीट, जो उस काबले वाले के पास बैठ करके जो है हंस रही थी और बोल रही थी। ठीक है, तो लेखक कह रहा है कि मैं जब घर से बाहर निकल ही रहा था तो मिनी को जो है दरवाजे के पास और एक बेंच पर बैठे हुए देखकर मैं वो चक्कर रह गया, स्तब्ध रह गया, जो उस काबिले वाले के साथ हंस रही थी और बातें कर रही थी। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरे 5 साल के जीवन में इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट ए लिसनर, मुझे ऐसा लगा, पेड़ लगा, माई स्मॉल डॉटर कि मेरी छोटी पुत्री हैड नेवर फाउंड, मेरी छोटी पुत्री को कभी भी नहीं मिला है सो पेशेंट, इतना धैर्य, सो पेशेंट ए लिसनर, लिसनर होता है श्रोता और पेशेंट होता है धैर्यपूर्वक, तो इतने धैर्य से उसकी बातें सुनने वाला कोई भी श्रोता उसे नहीं मिला था, सेव हर फादर, उसके पिताजी के अलावा। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि अपने पूरे 5 साल के जीवन में मुझे ऐसा लगा कि उस छोटी लड़की को अपने पिताजी के अलावा कोई भी इतना धैर्य से उसकी बातों को सुनने वाला श्रोता नहीं मिला था। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल सारी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेजिन्स द गिफ्ट्स ऑफ हर विजिटर। ठीक है, एंड और ऑलरेडी पहले से ही द कॉर्नर कोना ऑफ हर लिटिल साड़ी, उसकी छोटी साड़ी का जो कोना था वाज स्टफ्ड फंसा हुआ था विद, या उलझा हुआ था विद आलमंड्स एंड रेजिन्स द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, जो उस विजिटर ने, उस यात्री ने, यानी काबली वाले ने उसे गिफ्ट के रूप में जो बादाम और किशमिश दिए थे, उनमें जो है उस लड़की का जो है साड़ी, छोटी साड़ी का एक कोना पहले से ही उलझा हुआ था। वाई डिड यू गिव हर दोज आई सैड, मैंने कहा कि तुमने ये सब उसे क्यों दिए। एंड टेकिंग आउट एन एट आना बिट एंड टेकिंग आउट एन एट आना बिट और अपनी जेब से, ठीक है, एंड टेकिंग आउट एन एट आना बिट आई हैंडेड टू इट हिम, और मैंने जो है 8 आने अपनी जेब से निकाल कर उसको जो है हैंडेड सौंप दिए, उसको दे दिए। द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डेमर, उस आदमी ने, काबले वाले ने वे पैसा जो है बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया, ले लिया, यानी जो 8 आने का जो सिक्का दिया था वो जो है उसने बिना किसी डेमर होता है आपत्ति, बिना किसी आपत्ति के ले लिया। एंड स्लिप्ड इट इन टू हिज पॉकेट, और उसे अपनी जेब में डाल लिया। अलास, अरे, ऑन माई रिटर्न एन आवर लेटर, एक घंटे बाद मेरे वापस आने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, द अनफॉर्चुनेट कॉइन हैड मेड ट्वाइस इट्स ऑन वर्थ ऑफ ट्रबल, कि उस अनफॉर्चुनेट कॉइन ने, उस सिक्के ने जो 8 आने का मैंने उसे काबली वाले को दिया था, उसने जो है घर पर जो है बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, वर्थ ऑफ, अपनी कीमत से भी 2 गुना ज़्यादा मुसीबत खड़े करने वाला बखेड़ा जो है उसने जो है खड़ा कर दिया है, मुसीबत खड़ी कर दी है। फॉर द काबली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, क्योंकि काबली वाले ने हैड
हैड गिवन इट, उसे जो आटा निकला सिक्का था वो मिनी को दे दिया। एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड विद वेयर डिड यू गेट दैट एट आना बीट। ठीक है, तो एंड और हर मदर कैचिंग साइट ऑफ, और जो उसकी माता थी वो जो है उसका ब्राइट ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, उस गोल चमकते हुए सिक्के को हाथ में पकड़ते हुए हैड पकड़े हुए थी। एंड हैड पाउंस ऑन द चाइल्ड विद, और पाउंस जो है आक्रमण करना, जो है डांटना झपटना खरी खोटी सुनाना। ठीक है, पाउंस ऑन द चाइल्ड विद, और जो है उस बच्चे को जो है उस पर जो है आक्रमण हमला कर रही थी। वेयर डिड यू गेट दैट एट आना बिट, तुम्हें ये 8 आने का सिक्का जो है कहाँ से मिला। द काबली वाला गेव टू सैड मिनी चेयरफुली, मिनी ने खुशी से कहा कि काबली वाले ने मुझे दिया। द काबली वाला गेव इट टू मी, क्राइड हर मदर सच सोक्ड। ठीक है, इस बात को दोबारा दोहराते हुए उसकी माँ जो है चिल्लाई कि काबली वाले ने मुझे दिया। ठीक है, क्राइड हर मदर मच सोक्ड। ठीक है, उसको जो है बहुत जोर का झटका लगा, मतलब बहुत जोर से जो है वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई। ओ मिनी, वे मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम, तुमने उसे कैसे कैसे ले लिया ये सिक्का, तुमने कैसे लिया उसका से। ठीक है, ये कैसे लिया। आई आई एंट्री, ठीक है, तो आई एंटरिंग, आई मैं, एंड लेकर कह रहा है आई मैं एंटरिंग एट द मोमेंट, एट द मोमेंट उसी क्षण एंटरिंग प्रवेश कर रहा था। सेव्ड हर फ्रॉम, सेव्ड हर, उसे बचाया फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर एंड प्रोसीडेड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज। ठीक है, वो लेकर कह रहा है कि उसी क्षण मैं प्रवेश कर रहा था, तो सेव्ड हर फ्रॉम इम्पेंडिंग, यानी इम्पेंडिंग डिजास्टर होता है आने वाली, भविष्य में आने वाली आपदा या विपत्ति। तो वो कह रहा है कि उसी क्षण में जो है प्रवेश कर रहा था और मैंने उसे सेव्ड, यानी उसे मीनी को बचाया फ्रॉम आने वाली, भविष्य में आने वाली जो है विपत्ति या आपदा से उसे बचाया। प्रोसीडेड टू मेक माई ओन इंक्वायरीज, प्रोसीड आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ा और उसे जो है क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए मैं आगे बढ़ा। इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, यह कोई प्रथम या दूसरी बार नहीं था। आई फाउंड दैट द टू हैड मेट, जब मिनी और काबले वाला दोनों की मुलाकात हुई हो। द काबले वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाय ए जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नर्स एंड हेलमंस एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स। द काबले वाला हैड ओवरकम, जो काबले वाला था उसने जो है बच्ची के जो प्रथम जो उसका भय था डर था उसको दूर भगाया था। बाई ए जुडिशियस ब्राइबरी ऑफ नर्स एंड हेलमंस, भाई बुद्धिमानीपूर्ण रिश्वत के रूप में जो है उसने जो है बुद्धिमानीपूर्ण रिश्वत के रूप में उसे अखरोट और बादाम देकर के जो है उस बच्ची का जो प्रथम जो डर था उसके प्रति उसको दूर भगाया था, उस पर विजय पाई थी। एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, और वे दोनों अब पक्के और घनिष्ठ दोस्त थे।